इलिक्विड स्टॉक्स का नाम बड़ी बार सुना होगा आपने, भाई इससे दूर रहो, इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्टमेंट मत करना। एक्चुअल में इलिक्विडिटी है क्या, इलिक्विड स्टॉक्स है क्या? जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी की जहां पे बायर और सेलर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, बायर और सेलर का मार्केट डेप्थ आता है ब्रोकर में आपके, एक तरफ आपका बिड एक तरफ आस्क होता है। अब मान लीजिए बिड में 70 रुपए का शेयर है और बिड में खड़ा है 70 रुपए, यानी बायर जो खड़ा है वो 70 रुपए खड़ा है, लेकिन जो बेचने वाला है वो खड़ा है 72 रुपीज में। अब आपको लास्ट ट्रेड जो है वो 70 रुपीज है, LTP दिखा रहा है 70 रुपीज, आपको लगे 70 रुपीज में बाय हो जाएगा, आप बाइंग में एंटर करोगे, लेकिन सेलर 72 में खड़ा था, आपको 72 में मिल जाएगा। अब बोलोगे हाई ये तो 2 रुपए पहले ही महंगा मिल गया, 2 रुपए का मतलब 70 रुपए का शेयर बहुत ज्यादा होता है ना, अप्रोक्स 3-4% हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी लिक्विड स्टॉक में मार्केट ऑर्डर में ट्रेड मत कीजिए, पहले उसका बायर सेलर का विंडो देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग बिडिंग करके ट्रेड कीजिए अगर करना भी चाह रहे हैं।